दोस्तों स्वागत करते हो आप लोगों को ग्रीन हाउस की नर्सरी में सेकंड पार्ट में। दोस्तों हमने पहले पार्ट में आप लोगों को कहा था, अब हम आप लोगों को सेकंड पार्ट में आप लोगों को बाकी पौधा हम आप लोगों को दिखाएं। तो पहले हम आप लोगों को स्टार्ट करते हैं। हमने गमले पे मियाज़ाकी की मैंगो लगा रखे, उसमें फल आया, उस पर कलर भी किस तरह आ रहा है वो हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो पहले आप लोग ये देख सकते हैं, ये हमने गमले पर सेट कर रखा है, ये मियाज़ाकी की मैंगो, ये हमने पिछले साल पे लगा रखे थे। काफ़ी हाइट बड़ा है जिसकी वजह से हम आम की फोटो आप लोगों को अच्छे से दिखा नहीं पा रहे, फिर भी आप लोगों को देखने की कोशिश करें, थोड़ा क्लियर आ जाएगा मेरे ख्याल से जूम करने से। ये आम लगा, इधर दो लगा हुआ है और इधर दो लगा हुआ है, इस पर कलर भी आ रहे हैं, तो हाइट ज़्यादा होने के नाते हम आप लोगों को वीडियो भी क्लियर नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो दोस्तों ये मियाज़ाकी के मैंगो प्लांट आप लोग देख सकते हैं, इधर भी हमने लगा रखा है, इधर भी हम दिखाएंगे, इधर देख सकते हैं, इधर एक पौधा आ रहा है, इसमें आप आराम से देख सकते हैं कलर कैसे कलर आ रहा है। ये देखिए, ये आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये मियाज़ाकी की मैंगो है, कलर आ रहा है, पूरी तरह कलर नहीं है। कलर तभी ज़्यादा आते हैं जब इसमें डायरेक्ट धूप लगे, उधर वाले मैंगो प्लांट में धूप लग जाते हैं डायरेक्ट, जिसकी वजह से उसमें ज़्यादा कलर आया, इसमें धूप कम लगती है क्योंकि ये पेड़ पौधे होने के नाते, ठीक है। जब लेकिन ये जब पूरी तरह मैच्योर हो जाएगा ये एकदम से लाल हो जाएगा। तो ये है मियाज़ाकी के पौधा, हमने इससे पहले और भी काफ़ी सारे हमारे पास जो मियाज़ाकी के मदर प्लांट लगा हुआ, मतलब पौधा लगा, उस पर आम आया वो भी आप लोगों को दिखाया। दोस्तों अब हम आप लोगों को कुछ आम के पौधे दिखाते हैं, इधर ये सब आप लोग देख सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये है कटिमोन मैंगो प्लांट, छोटे छोटे प्लांट है, ये सब आप देख सकते हैं। कटिमोन जो बारहमासी फल फूल देते हैं, बारहमासी आम के पौधों पे कटिमोन की वो प्लांट है, छोटे पौधे हैं, ठीक है। अगर आप लोग चाहे तो इस तरह की छोटे पौधे चाहिए वो भी हमारे से मंगवा सकते हैं, बड़े पौधे चाहिए वो भी हमारे से मंगवा सकते हैं। इधर भी देखिए, काफ़ी सारे पौधे हमने लगा रखे हैं, ये सब देखिए। इधर वाले हम जो पौधा आपको दिखा देंगे दोस्तों, ये है मियाज़ाकी आम के पौधा, ये हमने आपको दिखा दें, गुरु बैंग में लगा रखे हैं। हाइट कम है, छोटा है, करीब 3 फीट के आसपास हाइट रहेगा या मियाज़ाकी मैंगो प्लांट। प्लांट देखिए कितना अच्छी कंडीशन में है, ठीक है। अगर आप लोग चाहें तो बड़े प्लांट जैसा 4 फीट के आसपास 5 फीट की प्लांट वो भी आप लोगों को मिल जाएगा, वो प्लांट भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन वो इस नर्सरी पे ना होने के कारण हम आप लोगों को नहीं दिखा पा रहा हूँ, ठीक है। जैसा मियाज़ाकी लगा दिखाया हूँ आप लोगों को, इधर हम आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखिए, इधर भी हम आप लोगों को पौधा दिखाते हैं। ये जैसा चकापत मैंगो प्लांट, ये मैं आपको निकाल के दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखिए ये चकापत, ये भी कलरफुल मैंगो, बहुत बढ़िया वैरायटी के आम है, ये सब छोटे प्लांट है, छोटे प्लांट आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो अगर आप लोग चाहे तो ऐसे प्लांट भी मंगा सकते हैं, इससे बड़े प्लांट चाहिए तो बड़े प्लांट भी मंगा सकते हैं। दोस्तों इधर आप लोग देख सकते हो 5 फिंगर जो अंजीर है उसका फल कैसे आ रहा है, ये हमने गुरु बैग में ज़मीन के अंदर गुरु बैग के साथ एक गाड़ दिया हूँ। ये 5 फिंगर इसका पौधा हमारे पास मौजूद है, 5 फिंगर इसलिए कहते हैं, देखिए उंगली के जैसा है, इसी कारण से इसको 5 फिंगर कहते हैं। ये कटिमोन के और एक हम पौधा दिखाते हैं, ये पौधा दिखाने के कारण से ये है जोड़ ग्राफ्टिंग की कटिमोन की पौधा, ये आप देख सकते हो जोड़ ग्राफ्टिंग वाला है। इस पर देखिए 12 मास फल फूल देते हैं, जिसके कारण से इस पर फलवार आ रखते हैं। लेकिन देखिए आपको हम फिर से आप लोगों को कहना चाहता हूँ, जैसे पहले पार्ट वीडियो में हम कहा था, जैसे ये इस पर फ्लावर आ रखा है, बिना फ्लावर का, फ्लावर का पौधा देखिए और बिना फ्लावर का पौधा देखिए, फ्लावर वाला पौधा की कंडीशन इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा बिना फ्लावर के, लेकिन ऐसा नहीं है इसमें फ्लावर आया मतलब यही सही है, इसमें फ्लावर आया नहीं मतलब ये सही नहीं है, ठीक है। फ्लावर तो आ जाते हैं क्योंकि उसका जो ग्रोथ होता है उसके ऊपर डिपेंड करके आ जाते हैं। ये जैसा बिना फ्लावर के प्लांट की कंडीशन बहुत अच्छा होता है, तो आप लोग हमेशा कोशिश करें बिना फ्लावर के पौधा मंगाने। ये 12 मासिक होने नाते 5-6 महीने के अंदर इसमें भी फ्लावर आ जाएगा, फल फूल भी आ जाएगा, लेकिन इसमें फ्लावर आया लेकिन एक गुरुबाग में है तो ये फ्लावर टिकेगा नहीं, ये गिर जाएगा। आम भी अगर एक आध आ जाए वो भी गिर जाएगा। दोस्तों अब हम आप लोगों को दिखाते हैं बनाना मैंगो। दोस्तों पहले बनाना मैंगो को हम आप लोगों को दिखाते हैं, इसका हाइट काफ़ी बड़ा है, 5-6 फीट तक इसका हाइट है। बनाना मैंगो बहुत खूबसूरत मैंगो होता है, वो हम आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हो बनाना मैंगो करीब 5 फीट के आसपास हाइट है, इसमें ब्रांचेज भी है दो तीन करके ब्रांचेज भी है। तो ये बनाना मैंगो अगर आप लोगों को ज़रूरत है तो ज़रूर आप लोग हमारे से मंगवा सकते हैं। ये बड़े प्लांट है, हमारे पास छोटे प्लांट भी मौजूद है बनाना मैंगो। दोस्तों इसके बारे में हम आप लोगों को थोड़ा बताते हैं, ये थाईलैंड के एक वैरायटी होते हैं, ये आम होते हैं केला की जैसे लंबे लंबे बड़े बड़े होते हैं, पकने के बाद वो येलो रेड कलर के आ जाते हैं, एक बहुत खूबसूरत मैंगो है और एक गुच्छे गुच्छे में फल आ जाते हैं। तो ये इंडिया के उधर में काफ़ी अच्छा सक्सेस है, जैसे थाई वैरायटी जितने भी है ना उसके अंदर सबसे एक बढ़िया वैरायटी सक्सेस है बनाना मैंगो। इसके अंदर जो सीड होते हैं गुठली होते हैं एकदम से पतला होते हैं और आम की वेट आते हैं लगभग करीब 1 kg 700-800 ऐसे वेट आ जाते हैं, मतलब अगर ज़्यादा से ज़्यादा 1 kg वेट आ जाता है कम से कम आपको 500-600 इसका वेट आ जाते हैं। तो और ये गमले में भी अच्छी खासी सक्सेस है, तो आप आराम से गमले पे बाद बनाना मैंगो ज़रूर लगा सकते हैं। और जिनकी गार्डन आम गार्डन है वो लोग अगर आम के पौधा लगाते हैं तो उनके पास बनाना मैंगो ज़रूर लगा हुआ है,
अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग जरूर बनाना मैंगो अपने गार्डन पर शामिल करें। तो अब हम आपको दिखाते हैं वारी लेवन मैंगो प्लांट। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारे पास वारी लेवन मैंगो, आप इनकी इसके बारे में थोड़ी बहुत आप लोगों को जानकारी देंगे। हम आपको दिखाते हैं वारी लेवन मैंगो बहुत ही बढ़िया वैरायटी के आम होते हैं। ये आप इसका पौधा हमारे पास मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया पौधा है। ये करीब 5-6 फीट के आसपास हाइट है, 5 फीट एवरेज हाइट है। वारी इलेवन ये एक बांग्लादेशी वैरायटी है, कटिमन की जैसे साल में 2-3 बार पलाते हैं, ऑल टाइम वैरायटी कहा जाता है इसको वारी इलेवन को। तो ये वैरायटी आप लोग गमले में भी इसको भी लगा सकते हैं, ये भी अच्छे खासे फल देते हैं। अगर इसको कमर्शियल फार्म करना चाहते हैं, कमर्शियल फार्म अगर आप लोगों को आम की करना है तो कभी एक वैरायटी की मत करना, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी आप लोग लगाएं। जैसे अगर 200 पौधा आपको कमर्शियल के आम के पौधा लगानी है तो 200 में कम से कम 200 पौधे लगाने हैं, तो उसमें से कम आप 20 वैरायटी के आम के पौधा ज़रूर लगाइए, ठीक है। चाहे 5 ये वैरायटी बारी इलेवन, 5-6 बनाना मैंगो, 10 है, ऐसे करके आप लोग ज़रूर लगा सकते हैं। अगर कमर्शियल वैरायटी करना है तो उसमें बारी इलेवन आप ज़रूर शामिल कर सकते हैं, क्योंकि 12 मासी होने के नाते आपको ऑक्सीजन में आम देगा। आम की साइज़ मीडियम साइज़ के होते हैं, 200-300 एवरेज इसका साइज़ रहता है, लेकिन गुच्छे गुच्छे में आम आते हैं, भर भर के आम होते हैं। तो ये मीठा भी काफ़ी अच्छे खासे है, तो आप लोग चाहे तो ऑक्सीजन के आम अगर खाना चाहे तो बारी इलेवन ज़रूर आप लोग लगा सकते हैं। दोस्तों ये हम देसी कुछ वैरायटी दिखाते हैं, देखिए क्या लगा हुआ है, हिंसापुर में। दोस्तों हिंसापुर बहुत बढ़िया किस्म की वैरायटी है, देसी वैरायटी है, ठीक है, ग्राफ्टिंग की पौधा है, ये आप लोग देख सकते हैं। लेकिन ये देसी वैरायटी ये है, साल में आपको एक ही बार फल देगा, लेकिन हिंसापुर और एक आम खाने में तो बहुत बढ़िया है, मीठास भी बहुत अच्छी है, खासकर हमारे बंगाल में खूब बढ़िया तरीके से इसको उगाया जाता है और ये सक्सेस एक वैरायटी है। लेकिन इसके एक सबसे इसके ख़राब खासियत है, ये एक साल बहुत बढ़िया आम देगा, कोई एकदम भर के आम देगा, दूसरे साल में मान लीजिए पहले साल में अगर 100% आम आया तो दूसरे साल में आपको 10% आम आएगा, मतलब गैप दे के आम देता है, ठीक है। तो कुछ लोग इसी वजह से इस दो पौधे पसंद नहीं करते, लेकिन अगर किसी को लगानी है तो आप लोग ज़रूर एक दो पौधा हिमसागर मैंगो लगा सकते हैं, क्योंकि ये इसका आम काफ़ी मीठा होता है और काफ़ी खुशबूदार होता है, बहुत बढ़िया होता है, जिसके कारण से ये आम पसंद खूब करते हैं। तो आप लोग ज़रूर चाहे तो हिमसागर मैंगो लगा सकते हैं। दोस्तों इधर हम आपको लोगों को दिखाते हैं रेड पाल्मर मैंगो। दोस्तों ये एक अमेरिकन रेड पाल्मर जिसको कहा जाता है रेड पाल्मर मैंगो, बहुत एक बढ़िया वैरायटी है। ये रेड पाल्मर मैंगो लाल कलर के आम आते हैं, एकदम राउंड शेप में आम आते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इसमें आम होता है। तो ये वैरायटी आप लोग ज़रूर अपने गार्डन पर, अपने फार्म पर कमर्शियल भी इसका खेती आप ज़रूर कर सकते हैं रेड पाल्मर मैंगो की। दोस्तों इधर हम आप लोगों को दिखाते हैं कस्तूरी मैंगो। दोस्तों ये आप देख सकते हैं कस्तूरी मैंगो, इसके पत्ते वगैरह एकदम काला होता है, इसका आम भी एकदम काला होता है, ब्लैक कलर के होते हैं, सो कस्तूरी मैंगो कहा जाते हैं। तो अगर आप लोग चाहे तो कस्तूरी मैंगो भी आप लोग लगा सकते हैं, क्योंकि वो एक अनकॉमन वैरायटी, लेकिन ये सक्सेस है, बहुत बढ़िया तरह से इस पर आम भी आ रहा है, तो कस्तूरी मैंगो ज़रूर आप लगा सकते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये प्लांट अगर आप ये लगाएंगे तो 2 साल के अंदर इसमें आप फ्रूट आना चालू हो जाएगा। तो ये आप प्लांट देख रहे हो, हम आपको प्लांट दिखाते हैं। दोस्तों ये है टॉमी एटकिंस। दोस्तों ये सब छोटे पौधे दिखा रहे हो आम की ज़्यादातर हम, ठीक है, क्योंकि हमारी इस नर्सरी पे छोटे पौधे हैं। आप लोग हमारी पुराने वीडियो में देख सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े पौधे, ये छोटे पौधे दिखा रहा हूँ टॉमी एटकिंस का। दोस्तों टॉमी एटकिंस एक बहुत बढ़िया वैरायटी है, इसमें फल भी आया है बहुत अच्छे तरीके से, हमारे मदर प्लांट पे जो फल आया है और हम स्क्रीन पे आप लोगों को दिखा भी रहा है। टॉमी एटकिंस के फल बहुत अच्छे होते हैं, गोल राउंड के सेवा होते, कलरफुल मैंगो तो काफ़ी बढ़िया होता है, मीठा भी अच्छे। तो आप लोग ज़रूर टॉमी एटकिंस भी अपने गार्डन पर, अपने हाउस पर कमर्शियल भी इसका खेती कर सकते हैं। कलरफुल मैंगो होने के नाते काफ़ी अच्छा लोकप्रिय मैंगो है, ये भी एक अमेरिकन वैरायटी है टॉमी एटकिंस, तो आप लोग इसको भी ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं अपने गार्डन पर। हम आप लोगों को दिखाते हैं, ये देखिए ये है हरिमोन 99 एप्पल, जो हॉट क्लाइमेट एरिया के लिए बनाया गया खास करके इंडियन के साइंटिस्ट के द्वारा। और ये वैरायटी आप लोग जहाँ गर्मी पड़ते खास करके वहीं आप लगा सकते हैं, ये आपको 2-3 साल के अंदर फल देते हैं। फल की साइज़ थोड़ा छोटा होता है, जैसे कश्मीर हिमाचल में जिस तरह के बढ़िया बढ़िया फल होते हैं, बड़े बड़े फल उतना बड़ा तो नहीं होता, बट हॉट क्लाइमेट एरिया के लिए आप लोग ये लगा सकते हैं, अपने घर पर लगा सकते हैं, अपने खेत में भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छी वैरायटी है। हमारे पास एप्पल की 3 वैरायटी है, जैसे हरिमोन 99 है, उधर अन्ना है, डॉर्सेट गोल्डन है, तो इस तरह की वैरायटी आप लोग लगा सकते हैं। इंडियन के साइंटिस्ट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, तो आप लोग ज़रूर लगाइए अपने घर पे। अगर एप्पल फलों ना आ सकते तो बहुत एक अच्छी किस्म की वैरायटी ज़रूर लगाने की कोशिश करें, तो वो है हरिमोन 90, अन्ना, डॉर्सेट गोल्डन, ज़रूर लगा सकते हैं। दोस्तों ये हम आप लोगों को दिखाते हैं जावा वाटर एप्पल। दोस्तों ये आप देख सकते हैं प्लांट, देखिए कितना अच्छे वैरायटी के, ये है जैसे व्हाइट कलर का वाटर एप्पल, जावा वाटर एप्पल,
कहते हैं इसको, तो ये हमारे पास वाइट कलर की है, रेड कलर की है, पिंक कलर की है, ठीक है, उसके अंदर भी काफ़ी सारे वैरायटी भी होते हैं। तो ये पौधा इस तरह के मिल जाएगा, ठीक है, ये आप ज़रूर हमारे से लगा सकती है अपने गार्डन पर, जैसे आप किसी टॉप में भी इसको लगा सकते हैं, क्योंकि ये सब आपको ग्राफ्ट पौधा होने के नाते एक डेढ़ साल के अंदर, दो साल के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा दो साल लगेगा, इस पर फल आ जाएगा। इधर वैरायटी का है, रेड कलर का है, ये देखिए, ये सब प्लांट देखिए, काफ़ी अच्छे अच्छे प्लांट है, बड़े बड़े भी है, ये सब हमारे पास मौजूद है। ये है रेड वैरायटी का है, ये देखिए कितना अच्छे अच्छे वैरायटी है, काफ़ी सारे हमारे पास मौजूद है। तो अगर आप लोग चाहें तो इस तरह की वाइट कलर का, पिंक कलर का, रेड कलर का, जो भी जावा वाटर वेटल की वैरायटी है वो हमारे से मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो हमें खत्म करते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक जरूर करें, आप लोगों को मन में किसी भी तरह के सवाल है जरूर कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।